आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। जय श्री राम भक्तों, आज ही बहुत सुंदर मैं बालाजी का भजन लेकर आई हूँ। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। पहली काली से मैं बता रही हूँ सी शब्द से, माइनर कॉर्ड वैसे तो दोनों का लगेंगे, लेकिन मैं माइनर कॉर्ड इसलिए क्योंकि ग कोमल का ज्यादा यूज है इसमें, और ताल भी बता के चलूंगी आपको, और साथ में आपको तीसरी काली से कैसे बजाना है इसको तो वो भी मैं बता के चलूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर की रेंज में नहीं जाएगा, एक नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो आप तीसरी काली से भी गाएंगे तो आप बहुत इजीली उसे गा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऊपर या नीचे स्केल करना है तो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और बालाजी महाराज के और भी बहुत सारे मैंने बहुत सुंदर सुंदर आपको भजन सिखाए हैं, हे दुख भंजन मारुति नंदन सिखाया है, बहुत सारे सिखाए हैं आप देखिएगा, और वीर हनुमाना भी सिखाया है, उनको सर्च कीजिएगा और बिल्कुल सीखेगा। आज का ही प्यारा सा बेहतरीन भजन लेके चलते हैं बालाजी महाराज। ये फिर से एक बार बालाजी का सुंदर सा भजन मैं लेकर आई हूँ, पहले काली से माइनर कॉर्ड बता रही हूँ, दोनों ग इसमें लगेंगे और ग कोमल का ज्यादा यूज है इसलिए ग माइनर कॉर्ड बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसमें आप, मैं पहली काली से बता रही हूँ, स्केल आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। जहाँ कोमल स्वर है वहाँ स्लैश आपको देखने को मिलेगा, तीव्र स्वर कोमल स्वर पे, ठीक है, बाकी सब सिंपल लिखे होंगे। ताल इसमें कहरवा जाएगी, और भी मेरे बहुत सारे भजन बालाजी के सिखाए आपको बताती चलूंगी वो भी। अभी शुरू करते हैं आपका, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, ये पहली काली से बता रही हूं, ठीक है। बहुत सुंदर भजन है, बहुत सिंपल है, देखिए, आना पवन कुमार यानी सारे रे रे मा ग रे सा ग कोमल हमारे हरि कीर्तन में, यानी मगरी सानी सा सारी रे गरे सा, मंत्र सप्तक का नी है, शुद्ध है, ग कोमल है आपका, ठीक है। आना ठीक है, फिर वापस आना पवन हमारे हरे कीर्तन में, इस तरह से आपकी स्थाई की सिर्फ एक ही लाइन है, उसके बाद अंतरे आपके सारे सेम जाएंगे, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। और इसके साथ हमने छम छम नाचे, देखो वीर हनुमाना भी आपको सिखाया है, वीर हनुमाना अति बलवाना भी सिखाया है आपको, हे दुख भंजन भी हमने आपको कोशिश की है सिखाने की, बहुत सुंदर सुंदर बालाजी के भजन सिखाए हैं हमने, आप बिल्कुल उन्हें सुनिएगा, राम जी के भी बहुत प्यारे प्यारे भजन सुनाए सिखाए हैं, तो उनको भी आप देखते चलिएगा। अंतरा शुरू करते हैं अब इसका, आप भी आना संग में राम जी को लाना, अब दोनों गा आ गए, देखिए, आप भी आना संग में सागा पा 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 पा, ग शुद्ध के साथ राम जी को लाना, मागा मा मा गरे सा, यानी मागा ये शुद्ध, मा मा गरे सा ये ग कोमल, ठीक है। आप भी आना संग में राम जी को लाना, ठीक है, उसके बाद जैसी पहली लाइन थी उसकी तरह लाना सीता मैया साथ सारे रे रे मा गरे सा, फिर वापस सेम हमारे हरि कीर्तन में, सेम आ गया, ठीक है। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, सारे स्टेंजे बिल्कुल सेम जाएंगे, कोई चेंज नहीं, सिर्फ शब्दों को आपको बदलना है, देखिए, भरत जी को लाना सा ग म प प, फिर लखन जी को लाना म ग म म ग रे सा, ठीक है। भरत जी को लाना संग में, संग में भी बोल सकते हैं, राम लखन जी को लाना, सेम आ गया, फिर लाना सब परिवार सारे रे रे मा गरे सा, बस दो तीन तरह की पैटर्न की लाइन चल रही है, बहुत आसानी से आप बजा सकते हैं हमारे हरि कीर्तन में, ठीक है ना, इस तरह से सारा जाता जाएगा। जैसे नेक्स्ट अंतरा लेते हैं, कृष्ण जी को लाना संग में, सेम नोट सा ग मा पा 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 पा, फिर राधा जी को लाना
ठीक है। फिर उसके बाद ला ना लखे दाता, पहली लाइन की तरह हमारे हरे कीर्तन में, फिर वापस आना पवन कुमार हमारे हरे कीर्तन में, कितना सिंपल हो गया ना। पहली लाइन आपकी हो गई, सेकंड, थर्ड हो गई आपकी, फोर्थ हो गई, इस तरह से आपकी ये सारी लाइनें जाएंगी। जैसे नेक्स्ट अंतर ले लेते हैं, शिव जी को लाना संग में सा ग म प प प प, गौरा जी को लाना म ग म म ग रे सा, सेम आ रहा है बिल्कुल। फिर आपका लाना मदन मुरार, सेम चल रहे हैं बिल्कुल, हमारे हरे कीर्तन में, फिर वापस पहला आना पवन कुमार हमारे हरे कीर्तन में, इसी तरह से सारी सुनी जाएंगे। एक और अंतरा अगर लेते हैं तो सुमति को लाना सा ग म प प प प, कुमति हटाना म ग म म ग रे सा, ठीक है जी। सुमति को लाना कुमति हटाना, ठीक है। फिर वापस पहली लाइन की तरह करना बेड़ा पार, फिर वापस हमारे हरे कीर्तन में आना पवन कुमार हमारे हरे कीर्तन में, ये बहुत आसान है। पहली काली से मैंने आपको बताया, बहुत ऊपर नहीं जा रहे आप देख रहे हैं, पर तक ही रहता है ना, प के आगे जा ही नहीं रहा, तो आप इसको तीसरी काली से भी गाएंगे तो बहुत ऊपर नहीं आएगा। अगर इसको सा बांधते हैं तो चिट्स पे नहीं जाएगा, सा अगर ये होता है आपका तो, वो ऐसे बजेगा, नोटेशन सेम रहेगी, कीज बदल गई, स्केल बदल गया। ठीक है ना, इस तरह से अंतरा बजाएंगे तो देखिए, ये पहली लाइन हो गई, अपने आना संग में, फिर राम जी को लाना, ठीक है ना, इसी तरह से लाना सीता मैया साथ हमारे हरे कीर्तन में, ये मैंने आपको तीसरी काली से भी बता दिया। इसी तरह से आप कोई भी स्केल पे कर सकते हैं, मैंने आपको वीडियो में पहली काली से बताया है स्वर, ठीक है, तो बिल्कुल बजाइएगा और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।